मेढक, दो मेढक होते हैं और पानी उबल रहा होता है, बॉइल वाटर होता है, ल्यूक वार्म है, पानी थोड़ा सा गर्म हुआ है और एक इंसान एक मेढक को उस पानी में डालता है। तो पहला जो मेढक है जब उस पानी में डाला गया तो उसमें से उछल करके बाहर जा रहा है, क्योंकि उसने सोचा कि नॉर्मल पानी का टेम्परेचर ये होता है, गर्म पानी है और उस पानी में सुरक्षित। फिर उसके बाद में वो दूसरे मेढक को डालता है और दूसरा मेढक उसके साथ में टेम्परेचर के साथ वो अपना सामंजस्य बिठाता रहता है। धीमे धीमे उसको बड़ा अच्छा लग रहा होता है शरीर को, थोड़ा थोड़ा सा गर्म, फिर और गर्म होगा, फिर और अच्छा उसके साथ में कंडीशन करेगा, फिर और गर्म होगा। तो जब तक वो अपने आप को सामंजस्य करता रहता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो पानी उबलने लगता है, और जब वो पानी उबलने लगता है तो उस उबलते पानी में अब उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं रहती, इतनी सामर्थ्य नहीं रहती कि उसमें से कूद सके, लेकिन वो अपने आप को बचाना चाहता है। अब बचाने के लिए बहुत कोशिश करता है कि उसमें से कूद जाए, लेकिन वो कूद नहीं पाता। अंत में क्या होता है कि उसकी मृत्यु हो जाती, मर जाता है। तो इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें सबसे पहले खतरों को जान लेना चाहिए, कि खतरों को जान करके हमें समझ लेना चाहिए। जो लोग खतरों को जान करके उससे पहले सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, वो कभी भी असफल नहीं होते। और जो लोग उसमें सामंजस्य बिठा रहते हैं, बिठाते रहते हैं, अपने आप को ढालते रहते हैं, और एक समय ऐसा आता है, ऐसी क्रिटिकल परिस्थितियां बन जाती हैं कि उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उन लोगों के अंत में क्या होता है, अंत में जो उस मेढक का हुआ वही उनका होता है। तो बात समझ में आ रही होगी, जब भी आपके साथ में कभी भी जीवन के अंदर ऐसी विसंगतियां बहुत आई होंगी आपके साथ में, और आप बहुत तजुर्बेकार भी हैं, आपने देखा भी होगा जीवन में, हैं? कहते ना कि उंगली पकड़ करके जब उंगली सहन कर ली तो पहुंचा भी सहन किया करता है, और पहुंचा सहन करने के बाद कंधा भी सहन करता है, और कंधा सहन करने के बाद गिरफ्त भी आती है, और गिरफ्त के बाद में फिर क्या होता है, फिर दूसरे रिश्ते बन जाते हैं, और दूसरे रिश्ते बनने के बाद फिर ब्लैकमेलिंग शुरू होती है, और ब्लैकमेलिंग के बाद में जो केस दर्ज होते हैं उसमें घर भी बिकता है, खेत बिकता है, उस समय ऐसी जगह नहीं रहती है जहां पर कि वो मुंह दिखाने के काबिल, लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं। इसी प्रकार से घर की स्थिति होती है, जब छोटा सा भी कहीं पर कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट हो जाता है तो उसी से समझ जाना चाहिए। जब खांसी जुकाम बुखार होता है तब भी समझ जाना चाहिए कि मेरा शरीर कैसा है, और कफ है, बात है, पित्त है, कैसा शरीर है, मुझे क्यों आया, मुझे क्या प्रिकॉशंस रखनी है। जब हम उसको अरे परे कर देते हैं तो फिर क्या होता है, फिर हम हॉस्पिटल में 10-20 लाख रुपए देते हैं और फिर भी हमारी जीवन सुरक्षित नहीं रह पाता। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में हम ये कहें कि ये इन्फेक्टेड नहीं है, ये इन्फेक्टेड नहीं है, कोई भी इन्फेक्शन कहीं से भी पैदा हो सकता है, किसी से हाथ मिलाने से हो सकता है, किसी के साथ खाना खाने से हो सकता है, किसी के साथ बैठने से हो सकता है, इसलिए हमें थोड़ा सा दूरी बना करके रहना चाहिए। जो 2 गज की दूरी है, मास्क है जरूरी, ये सही बात है कि जितना आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि फिर हमें डाटा क्या कहते हैं, अरे कुछ नहीं होता, कितने मरे हैं, ये तो वैसे ही मर गए मानसिकता, लेकिन जिसका मरा है कोरोना से मरा है उससे जाकर के पूछिए कि उसका घर का हाल क्या है। तो जब तक अपने पे नहीं बीती है तब तक की बात ही है, जिसका मरता है उसी को पता होता है, अदरवाइज अन्य लोग तो कहते हैं क्या होता है कि जनसंख्या कम होती है, साथ नहीं, हर आदमी इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, हर किसी माँ जो होती है उसके लिए उसका बेटा, चाहे उसकी नाक लटक रही हो, चाहे वो दिमाग से पागल हो, चाहे वो बिस्तर पर पेशाब कर देता हो, चाहे उसकी पूटी निकल जाती हो, लेकिन उसके लिए वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही उसको प्यार करती है जितना कि और माएँ अपने खूबसूरत बच्चे को प्यार करती हैं। वो अलग बात है कि आप लोग उसको उस दृष्टि से देखते हो। तो इस संसार के अंदर हर फूल बहुत महत्वपूर्ण है, आपने अपनी गरिमा में रहना है, समय को पहचानना है, सिचुएशन को पहचानना है, समय और सिचुएशन को पहचान लेंगे तो आप सफल हो जाएंगे, और जहां पर भी समय और सिचुएशन को आपने नहीं पहचाना या उसके आधार पर अपने आप को परिवर्तित नहीं किया तो आप असफल हो जाएंगे।